आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच संबंध ज्ञात करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि माध्य का मान 25.28 तथा माध्यक का मान 25.5 है। तो क्या आप माध्य बहुलक और माध्यक के संबंध से बहुलक का मान ज्ञात कर सकते हैं? इसे हल करने के लिए वीडियो को रोकें और उसके बाद अपने उत्तर का मिलान करें। शाबाश। इन तीनों के संबंध में माध्य और माध्यक का मान रख हल करने पर बहुलक का मान लगभग 25.94 प्राप्त होता है। यदि हम इस मान की तुलना पिछली वीडियो में बहुलक सूत्र से हल किए गए मान से करें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों मान एक दूसरे के लगभग बराबर हैं। तो उम्मीद है कि आपको माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच का संबंध समझ आ गया होगा। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।